नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गणेश चतुर्थी आने वाली है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारा कलरफुल सा मोदक तैयार किया है, तो आप भी मेरे साथ साथ आइए और मोदक की तैयारी कर लीजिए गणपति बप्पा के लिए। तो इसके लिए हमें डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए और फ्रेंड्स ये इतना अच्छा मोदक बनेगा कि आसपास के दोस्त सहेलियाँ आपकी सभी पूछेंगे कि ये रेसिपी कैसे तैयार की आपने, ये मोदक कैसे तैयार किया हमें भी बताओ। तो यहाँ पर लगभग 1.5 कप लिया है, थोड़े से घी में इसे फ्राई कर लेंगे नारियल के बुरादे को, और 1 कप के बराबर यहाँ पे मैंने मिल्क का पाउडर ले लिया है और 1/2 कप दूध, उसी में इसको हम बैटर को मिक्स कर लेंगे और बाकी का जो बाइंडिंग है वो रोज़ सिरप से होगा। तो यहाँ पे 1/2 कप मैंने रोज़ सिरप को भी डाल दिया है, तो दूध और रोज़ सिरप दोनों मिलकर ये मिक्सचर को तैयार करेंगे। तो कलर रोज़ सिरप से ही हमारा आ जाता है, फिर भी मैं इसमें हल्का सा 1 ड्रॉप मैंने कलर यूज़ किया है। साथ में डालेंगे 2-3 चम्मच चीनी और इलायची का पाउडर। तो ये 1 ड्रॉप जो कलर यूज़ किया है आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वैसे भी इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है, तो एक लुक वाइज थोड़ी सी अच्छी कलर आने के लिए मैंने ये डाला है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मिक्सचर लगभग तैयार है, अब डालेंगे इसमें हल्का सा घी ताकि जो भी मिक्सचर है हमारा कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगे और अच्छी तरीके से बाइंडिंग इसमें आ सके। बस हल्का फुल्का सा 2-4 बार चलाने के बाद ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसे कर लेंगे थोड़ी सी ठंडी, क्योंकि गर्म में आप बिल्कुल नहीं बना सकते, बिखर जाएगा। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ये आप देखिए गोला बना के बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। तो मोल्ड ले लिया हमने मोदक वाला और इसे ग्रीस कर लेंगे, और ले लिया है ये सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ और थोड़े से पिस्ता की कतरन। तो इसे मोल्ड में लगाएंगे पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियों को, उसके बाद ये जो मिक्सचर है उसे थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे इसमें। बीच में हमें फ्रेंड्स एक होल सा तैयार करना है, तो मैं उंगलियों से दबाकर एक गड्ढा सा तैयार कर रही हूँ। इसमें डालेंगे हम गुलकंद, तो ये गुलकंद का थोड़ा छोटा छोटा सा हम बॉल तैयार कर लेंगे और इसे बीच में इस तरीके से प्रेस करके दबा देंगे, तो बाकी का जो मिक्सचर ऊपर से अच्छे से मोदक को मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए कहीं से भी गुलकंद दिख नहीं रहा है, तो ये गुलकंद सरप्राइज़ है, अंदर छुपा हुआ है मोदक के अंदर। तो ये लीजिए हमारा रोज़ गुलकंद मोदक बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे मोदक तैयार कर लूँगी और फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी गणपति बप्पा के लिए ये प्यारे से कलरफुल रोज़ गुलकंद मोदक तैयार कीजिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपके ये रोज़ गुलकंद मोदक प्यारे बने हैं या नहीं, अच्छे बने हैं कि नहीं, लोगों के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।